जी अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे मज़े में होंगे मैं भी अलहमद बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में तो जनाब आज लगता है आप सब लोगों की दुआएं कबूल हो गई उस दिन मैंने अभी बताती हूँ अभी बताती आप लोग क्या आप लोग भी सोच रहे हैं हमारी कौन सी दुआएं कबूल हो गई हैं आपको याद होगा मैंने दो तीन दिन पहले आपको फोर्टीथ ऑफ ऑगस्ट पर मैंने दिखाया था कि हम लोग डाउन टाउन गए थे और हमने वहाँ पर काफ़ी वॉक अराउंड की ड्राइव अराउंड की और आप लोगों में से कुछ लोगों ने कॉमेंट में भी लिखा कि गुल प्लीज़ किसी दिन दिन के टाइम भी जाए ना तो हमें दिन का भी एक व्यू दिखा दें तो देखें आपकी दुआ ही आपके मुँह से निकली वो कबूल हो गई मेरा कोई प्लान नहीं था आज डाउनटाउन जाने का कोई प्लान दूर दूर तक नहीं था आपको पता है फ्राइडे को मैं वैसे ही इतनी ज़्यादा थकी होती हूँ कामों से और वो फ्राइडे का दिन मैंने अपने घर के कामों के लिए ही रखा होता है तो मुझे था कि मैं नॉर्मली सुबह उठी अपने काम शाम कर रही थी तो एकदम से द जाना साहब को याद आया कि वो उसके जो बैडमिंटन शूज़ हैं उसने भी कुछ अरसा पहले खरीदे थे शायद एक डेढ़ महीना भी नहीं हुआ उसने सिर्फ पाँच दस दफ़ा पहने होंगे तो उसके शूज़ का जो इन सोल है वो उसमें कोई प्रॉब्लम हो रहा था तो उसने वो उसके उन कंपनी को कॉल की तो उन्होंने बोला कि आप अपने शू लेके आ जाए और हम देखते हैं उसका प्रॉब्लम हम आपको सॉल्व करके दे देंगे अब बात क्या थी कि नवीद ने लेके जाना था दाजाना को अब नवीद और द जाना रेडी थे जाने के लिए तो एकदम से नवीद की कोई मीटिंग आ गई और नवीद ने मुझे बोला मैं नहीं जा सकता और द जाना की अपॉइंटमेंट ऑलरेडी बुक थी उस बंदे के साथ क्योंकि उन लोगों ने इशू की वो इंस्पेक्शन करनी थी और फिर उसके बाद उन लोगों ने डिसाइड करना था कि उन्होंने इसको क्या करना है क्योंकि ये बैडमिंटन शूज़ काफ़ी महंगे होते हैं ऐसा नहीं होता कि अगर कोई लाइक uh, like, काफ़ी महंगे होते हैं ये तो अगर आपको इसका कोई प्रॉब्लम होता है तो इतना इजी नहीं है कि आप एक के बाद दूसरा खरीद लें दूसरे के बाद तीसरा और ये भी बिल्कुल ब्रांड नहीं होता तो मैंने नवीद को बोला अब क्या होगा तो कहते नहीं अब तुम चली जाओ इसके साथ मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी मैंने तो घर के काम करने हैं ख़ुद की वो कहते ना सेल्फ केयर मेरी होती है और उसके बाद मुझे आ, पूरे घर के बाद घर के कामों के बाद मुझे खाना वगैरह भी बनाना है तो मैं तो नहीं जा सकती हूँ तो उन्होंने बोला नहीं जाना तो तुम्हें पड़ेगा आप तो कोई और रास्ता ही नहीं है और हमारे घर से डाउन टाउन तकरीबन पंद्रह बीस मिनट की ड्राइव है जो कि रश आवर में ज़्यादा भी टाइम लग जाता है और आज ये रश आवर तो नहीं था लेकिन आपको मैं सच बताऊँ तो जैसे ही मैं इधर आई तो इतना ट्रैफिक था बार बार ट्रैफिक बार बार सिग्नल्स पे गाड़ियां रुक रही हैं और डाउनटाउन में अक्सर आपने देखा होगा कि समर में अक्सर ये होता है कि वहां पे ये लोग हर जगह को ना रोड्स को ठीक कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन हो रही हैं कभी ये हो रहा है कभी वो हो रहा है तो इवेंचुअली हमें तकरीबन ढाई घंटे लगे टोटल आना जाना और उस शॉप पे जो हमारी अपॉइंटमेंट थी वो सारे काम करते करते ढाई घंटे का पूरा सफर तय करने के बाद मैं घर आई तो मेरा पूरे मूड का ना वो कहते ना कि बिल्कुल सत्यानाश हो चुका था मेरा वो वो टाइम जा चुका था फिर मैंने आज कोई डीप ज़्यादा क्लिनिंग नहीं की हल्की फुल्की बस घर की मैंने क्लिनिंग की और उसके बाद बस मैंने खुद शॉवर लिया जुम्मा था जुम्मा की नमाज़ वगैरह का भी टाइम हो जाता है तो बस यही ही रूटीन रहा तो आज का दिन कोई इतना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं था और ना ही मैं इतना खुश थी आई मैं पूरा दिन मेरा मूड ख़राब रहा क्योंकि मेरे ही रूटीन से हट के अगर कोई चीज़ होती है ना मेरे घर के कामों में तो उससे मेरा मूड वाकई ख़राब हो जाता है ये मैं सच कह रही हूँ इसमें कोई ऐसी झूठ वाली बात नहीं है तो मुझे आए पूरा दिन इतनी बुरी वो दिल पे एक बोझ बोझ सा फील हो रहा था मैं कहती क्यों हो रहा है तो मुझे याद आया हाँ मैंने घर के काम नहीं किए प्रॉपर वो ये नहीं किया ये नहीं किया तो लेकिन वो अल्लाह के हर काम में हिमत होती है पता नहीं आज का ये जो रूटीन था इस रूटीन का क्या मकसद था लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से था एकदम से चीज़ें मेरे सर पे आ गई मुझे करनी पड़ी लेकिन इवेंचुअली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग घर पहुंचे और घर पहुंच के मैंने अपने थोड़े बड़े काम किए और उसके बाद बस क्लीनिंग भी हो गई एक अच्छा लुक भी आ गया घर का खुद भी शॉवर ले लिया अलहमदिल्ला नमाज भी मैंने पकड़ ली दिन लंबे होते जा रहे हैं ना दिन छोटे होते जा रहे हैं ना तो अभी होता है कि नमाजों का आपको ना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं होता एक के बाद दूसरी और खैर से दूसरी के बाद तीसरी तो इसलिए मुझे ही होता है कि जैसे जैसे टाइम आ रहा है जल्दी जल्दी मैं करती जाऊँ तो चलें जनाब अब हम लोग बाहर गए थे कॉफ़ी वगैरह पी के आ गए किसी ने मुझे बोला कि गुल हमें आप कॉफ़ी कॉफ़ी कहती हैं कभी दिखाएं भी तो चलें इन श्र्ला तला ये भी बनाती हूँ कि इस दिन व्लॉग वहाँ जाऊँगी तो आपको सारा दिखाऊंगी कॉफ़ी और आपको ये भी दिखाऊँगी कि मैं कॉफ़ी कौन सी पीती हूँ तो जनाब वापस आते हैं अब हम लोग इस क्लिप की तरफ तो अभी आप देख रहे हैं ये मैंने जो उस दिन समोसे कल, कल ये कल बनाए थे या परसों बनाए थे अब कल बनाए थे तो मुझे हमेशा भूल जाता है कि मैंने कल चीज़ बनाई थी या परसों तो वो समोसे पड़े हुए थे मीका एलन जिब्राई बेब्रस्ट ने तो कहा हमें समोसे खाने हैं हमें रात के डिनर में फिर समोसे खाने क्योंकि उनकी वीकनेस है ये समोसे बस मैंने ऑयल रख दिया गर्म होने के लिए इधर ऑयल गर्म हो रहा है और साथ में क्या मैंने बनाया है जी घर के लिए जुम्मा था तो मैंने कहा चलें आज बिरयानी ना सही तो आज पुलाव बनाते हैं क्योंकि लास्ट वीक हमने बिरयानी बनाई थी इस वीक मैंने बोला कि चलें पुलाव बनाते हैं तो चिकन पुलाव माशाल्लाह से मेरा बन चुका है और ये देख लें कैसा मज़ेदार खिला खिला इतना बेहतरीन चावल बनता है ना कि मज़ा आ जाता है खा के आप लोग अक्सर पूछते हैं कि गुल आप चावल कौन सा यूज़ करती हैं तो मैं जनाब टिल्डा यूज़ करती हूँ टिल्डा मेरी प्रेफरेंस है अदरवाइज़ एक फलक होते हैं शायद वो एक्स्ट्रा लॉन्ग होते हैं फलक राइस वो भी मैं ले लेती हूँ ज़ेब्रा लेती थी तो अब वो ज़ेब्रा मिलते नहीं हैं तो वो नहीं अब लेती मैं साथ में जनाब ये देखिए सैलड मैंने बनाया है इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या बनाया मैंने सिर्फ इसमें डाल दिए खीरे Uh, साथ में मैंने टमाटर और साथ धनिया और थोड़ा सा पुदीना और ऊपर लेमन मैंने पूरा इसके ऊपर स्क्वीज़ कर दिया एक्चुअली आज मेरा पुलाव बनाने का प्लान तो था लेकिन आज सुबह मेरी अम्मी ने दिखाया कि उन्होंने पाकिस्तान में पुलाव बनाया था और ऐसा सैलड बनाया था तो अम्मी अगर आप व्लाग देख रही हैं तो अम्मी हमेशा कहती है तुम मेरा नाम तो लेती नहीं हो जब भी मुझसे कोई चीज़ पूछ के बनाती हो या मुझे देख के तुम्हारा दिल करता है तो आज का ये व्लॉग जो है ना ये मेरी अम्मी के नाम है आज का ये मैन्यू भी मेरी अम्मी के नाम है क्योंकि अम्मी ने ये मुझे आज दिखाया था तो मेरे मुँह में इतना पानी आया मैंने नहीं ये तो आज भाई बनता ही बनता है मैंने तो आज पुलाव ही खैर से खाना है तो पुलाव हमारे घर में सब शौक से भी खाते हैं तो मैंने अम्मी का पुलाव देखा तो मेरा दिल किया मैंने मीट निकाला जल्दी से मैंने कहा चले आज जी हमारी भी अम्मी वाली प्लेट मैंने बना के रखनी है तो कभी कभी ऐसे आइडियाज मिल जाते हैं और आई एम श्योर कि जब आप मेरी व्लॉग्स देखते होंगे तो कभी कभी आपका भी दिल करता होगा जो चीज़ मैंने बनाई है कि आप भी वो जल्दी से बना लें क्योंकि ये इंसान की ना वो एक वो बात है जब उसको कोई आइडियाज़ मिलते हैं ना तो झटपट में उसको ना उसके काम में फुर्ती भी आ जाती है कि जल्दी जल्दी वो सारे काम कर लेते हैं लेकिन जब कभी आपके पास आइडिया नहीं ना होता कि एक पकाना क्या है तो पूरा पूरा दिन गुजर जाता है ये सोचते हो कि आज हम क्या पकाएं इतना गंदा ये सवाल मुझे लगता है और ये है भी बड़ा इंपॉर्टेंट तो इसलिए इसके जो जितनी भी इंपॉर्टेंस है ना इसकी इसको साइड पर रख के एक दिन पहले ही मैं डिसाइड कर लेती कि मुझे अगले दिन क्या बनाना है तो जब अम्मी का मैंने देखा अम्मी ने मुझे वीडियो पर दिखाई ये देखो मैंने सैलड बनाया ये देखो मैंने चटनी बनाई और ये देखो मैंने पुलाव बनाया अम्मी ने खैर बनाया था चिकन पुलाव था और उसमें अम्मी ने मटर और आलू भी डाले थे क्योंकि उनको अच्छे लगते हैं तो उन लोगों ने डाल दी शायद मेरे भाई ने बोला था या आई डोंट नो अम्मी ने क्यों डाले थे उसमें लेकिन अम्मी ने कहा कि बहुत मज़े का बना तो मैं मेरे पास सुबह सुबह थी तो मेरे तो मुंह में पानी आ गया तो वो बस मेरे जहन में आइडिया था मैंने कहा चले बच्चों से भी पूछती हूँ इतफाक से दजाना ने भी बोला अम्मा आज पुलाव बना लें तो मैंने कहा चलो भाई अगर सब बच्चों का भी दिल है और मेरा तो दिल कर ही रहा है तो अब हम ये बनाते हैं तो ये थी जनाब आज की पूरे दिन की रूटीन इस तरीके से मैंने आज का दिन गुजारा कोई ज़्यादा तो वो इतना अच्छा दिन नहीं गुज़रा लेकिन एंड अच्छा हो गया वो कहते हैं ना कि शुरुआत अच्छी नहीं हुई थी लेकिन एंड अच्छा हो गया मज़े का खाना खाया यमी राइस खाए और इतना मज़े का पुलाव बना था सच में आपको बताऊं बहुत मज़े का पुलाव बना था और पुलाव मुझे बहुत कम लोगों का अच्छा लगता है ये मैं अपनी तारीफ़ कर रही हूँ अपने मुंह या मिठ्ठू तो मैं बन रही हूँ लेकिन आप यकीन करें कभी जो लोग भी मेरे हाथ का पुलाव खाते हैं वो कहते हैं कि बिरयानी तो अच्छी लोग बना लेते हैं लेकिन पुलाव सबका अच्छा नहीं बनता लेकिन मेरे हाथ का पुलाव मुझे खुद भी पसंद है और मेरी फ्रेंड्स वगैरह या जिनके लिए भी मैं बनाती हूँ उनको भी मेरा पुलाव अच्छा लगता है तो जो लोग भी अच्छा पुलाव बनाते हैं ना तो आप यकीन करें अगर आप और हम इकट्ठे रह रहे होते हैं किसी एक एरिया में तो आप यकीन करें कि मैं तो आपके घर रोज़ रोज़ आ जाती पुलाव खाने क्योंकि मुझे पुलाव इतना अच्छा लगता है इसमें सिर्फ एक कमी है जो कि शामी कबाब के की जो मेरे पास बने हुए नहीं थे वरना मैं वो भी ज़रूर डालती हूँ इसके ऊपर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं तो चलें जनाब आप ये है जी मेरी प्लेट और मैं करूँगी अपने खाने को इन्जॉय उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो कल फिर वापस आइएगा मेरे चैनल पर मैं मिलूंगी आपके साथ सेम टाइम पर सेम चैनल पर एक और नए ब्लॉग के साथ तब तक रखेगा आप अपना ख्याल मुझे रखेगा आप अपनी दो में यहां टेक केयर जी अल्लाह हाफिज